जहां तुम चले गए। देख करके पढ़ करके समझ गया हो गया भैया कि हम सबको छोड़ करके धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी चले गए। पर फिलहाल भैया इस दौरान समाजवादी के दिग्गज नेता और मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात करने के लिए भी गए थे। सुरेश यादव जी की बात करें जहाँ बाराबंकी जिले के सदर विधायक सुरेश यादव हैं, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ईश्वर हमारे नेता जी की आत्मा को शांति दे, सदियों बाद कोई मुलायम सिंह यादव जन्म लेते हैं, ये हमारे देश के लिए अनमोल क्षति है भैया। इसके साथ ही बकायदा अरविंद सिंह गोप जी भी दुख जता रहे हैं। इन्होंने लिखा कि हमारे अभिभावक जैसे थे, हमारे गुरु जैसे थे और हम सबको छोड़ करके चले गए मुलायम सिंह यादव जी। इसके साथ ही समाजवादी के भी ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया है कि पार्थिव शरीर को मेदांता हॉस्पिटल से बकायदा उत्तर प्रदेश के सैफाई गांव ले जाया जाएगा भैया, जहां पर बकायदा अंतिम संस्कार होगा, वो भी 11 तारीख को यानी कल दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। बहुत बड़ी खबर थी, हमने कहा बता दें आपको भैया। अब ऐसी खबर है कि क्या बताया, मुझसे शब्द नहीं निकल रहा। चारों तरफ बकायदा शोकलहर दौड़ पड़ी है, सबकी आंखें नम हो गई हैं। अब भैया बाराबंकी जिले में सुरेश यादव अरविंद सिंह गोप को बिल्कुल भैया अपने शिष्य की तरह मानते थे, आशीर्वाद देते थे और डांट फटकार भी लगाते थे। अब मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र हम सबको छोड़ करके चले गए। पर फिलहाल बाराबंकी जब फंसे उत्तर प्रदेश के लिए मिलेगी। सुबह से भैया मौसम भी ऐसा हो गया, लगातार बारिश हो रही है और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी क्षति हुई कि जिसको शब्दों से बयां ही नहीं किया जा सकता। पर फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।